हाय कार्तिक, हेलो। आपकी फिल्म प्यार का पंचनामा पार्ट टू आ रही है। हेलो कार्तिक। हेलो। आपकी फिल्म आ रही है प्यार का पंचनामा पार्ट टू। जी। तो कैसी रही जर्नी, मतलब पार्ट वन की आपने की, उसके बाद आकाशवाणी, फिर कांची। जी। तो आपकी जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, वो बहुत बड़ी सक्सेस थी और बहुत बड़ी हिट थी, अभी भी लोगों के दिमाग में उसकी छाप है। जी। तो जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आपको क्या लगा कि मैंने पार्ट वन किया है तो मुझे पार्ट टू करना पड़ेगा क्या, या फिर आपको उसकी पटकथा बहुत पसंद आई या कहानी आपको अच्छी लगी इसलिए आपने की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार का पंचनामा से प्यार का पंचनामा टू की जो जर्नी मेरी रही है, बहुत ही ऊपर नीचे वाली, अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। एंड काफ़ी, जैसे प्यार का पंचनामा वन जब मैंने की थी तो ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रगल के बाद ही एक पहली फिल्म आपको मिलती है। एंड जब व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर इन द इंडस्ट्री, तो आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है इसके लिए। एंड प्यार का पंचनामा वन ऑल्सो हैपेंड आफ्टर लाइक 6 months ऑफ ऑडिशनिंग फॉर द सेम फिल्म। तो उसके बाद जब प्यार का पंचनामा वन हुई एंड देन आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी मेरे को साथ ही साथ मिली थी। बेसिकली ऑडिशन आकाशवाणी का था, हुई फिल्म पहले प्यार का पंचनामा, फिर आकाशवाणी हुई। एंड आकाशवाणी इज़ अगेन क्लोज टू माई हार्ट। वो बहुत ही, जिन्होंने भी अभी तक वो आकाशवाणी, आज तक बहुत कम लोगों ने देखी है, लेकिन जिन्होंने देखी है, वो काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। तो वो थोड़ी सीरियस फिल्म थी, पहली वाली मेरी कॉमेडी फिल्म थी, तीसरी वाली जो कांची मैंने की थी उसमें थोड़ा एक्शन था। एंड कैरेक्टर्स तीनों के बहुत अलग रहे। तो रज्जो से जो मैं गोगो के कैरेक्टर में अभी आया हूँ प्यार का पंचनामा टू में, बेसिकली ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि क्योंकि प्यार का पंचनामा वन की है तो टू भी करूँगा। उसमें ये चीज़ रहती है कि एक फेस वैल्यू प्यार का पंचनामा के साथ अटैच थी मेरी, जो मेरे डायरेक्टर जो लवसर हैं वो भी यही हमेशा से कहते हैं कि वो एक रिकॉल वैल्यू आती है जब आप सेम एक्टर को सीक्वल में लेते हैं, अदरवाइज़ उसका कुछ रिकॉल वैल्यू जो होता है वो और इससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो मोनोलॉग वाली चीज़ थी उसमें। वो बाबू वाला जो कपल था वो बहुत चीज़ें लोगों से अटैच किया था और रिलेट हुआ था लोगों को, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी आई थिंक प्यार का पंचनामा टू में रिकॉल लाती हैं वन की। बट उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट वाइज पूरी अलग फिल्म है। प्यार का पंचनामा अगर आप देखोगे वो टोटली अलग है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, द स्टोरी वाइज। तो वो फिल्म अलग है और ये फिल्म अलग है, थीम सेम पकड़ा हुआ है क्योंकि कैरेक्टर्स नए हैं, उनकी जर्नी अलग होगी और कैसे इनकी भी लग रही है रिलेशनशिप में, वो प्यार का पंचनामा टू में होगा। ये फिल्म जो सीक्वल है और ये, या फिर जो सेम थीम पे आधारित है ये फिल्म, जी जहाँ तक हम जानते हैं आप ही सिर्फ आप और आपकी जो ऑपोजिट हैं, जो आपकी एक्ट्रेस हैं, जी वही हैं इस फिल्म के जो पहले भाग एक के जो पात्र थे। आप दोनों ने ही इस फिल्म को शायद अपने कंधों पर उठाया है, कितना मुश्किल था लोगों के साथ ये काम करना। एक तो ये फिल्म का बहुत ही यूनिक चीज़, जो यूएसपी, एक वन ऑफ द यूएसपीज है, वो एक ब्रोमांस इस फिल्म में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप फिल्में देखेंगे, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या दिल चाहता है, या तो प्यार का पंचनामा भी एक ब्रोमांस वाली फिल्म होती है। उसमें मतलब जब आप दूसरी फिल्म वापस से उसका अगर सीक्वल हो रहा है, तो अगर उस सीक्वल में आप हैं और नए कैरेक्टर्स आपके साथ हैं, लेकिन वो फिल्म एज सच उस फिल्म का सीक्वल नहीं है, ये एक नई फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने सराहा है, तो वो ऑलरेडी एक एडेड चीज़, पॉजिटिव चीज़ आपके पास थी कि एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है जिससे पूरी यूनिवर्सली हर कोई रिलेट करता है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये कॉन्सेप्ट इस फिल्म में यूज़ हो रहा है, प्यार का पंचनामा टू में भी वो हो रहा है, तो उससे कोई प्रेशर नहीं आने वाला। उससे इनफैक्ट एक एडेड वैल्यू है जो प्यार का पंचनामा, क्योंकि उसको स्टेटस भी जिस हिसाब से यूथ में वो कल्ट स्टेटस माना जाता है उस फिल्म का, वो एक एडेड लॉयल फैंस इसमें भी प्यार का पंचनामा टू में आएंगे, तो वो तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए। तो वो उल्टा हो गया कि कोई बर्डन नहीं मेरे ऊपर, मेरे को अच्छा ही लग रहा है यार कि एक्सपेक्टेशंस लोग जब आपसे रखने लगते हैं इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, इसलिए वो अगली वाली में एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, तो कितना अलग रहा इन न्यू कमर्स के साथ काम करना, जो आपके पहले जो लिक्विड थे, जी बहुत फेमस कैरेक्टर रहे हैं आपके उस फिल्म के, जी तो ये जो दो आपके सह कलाकार हैं, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे? देखिए, जब प्यार का पंचनामा वन आई थी तब ना लोग चौधरी जानते थे, लिक्विड जानते थे, रज्जो जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, प्यार का पंचनामा को नहीं जानते थे। जब वो आई तब वो कैरेक्टर्स एकदम से लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ गए।
प्यार का पंचनामा टू के साथ भी यही होने वाला है। ये कैरेक्टर्स इतने डिफाइंड है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, वही प्यार का पंचनामा टू की खासियत भी है कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे की कैरेक्टर स्पेस में नहीं जा पाता। हर किसी का एक यूनिक डायरेक्शन है और एक कैरेक्टर है डिफाइंड है, जो कि अगेन जब लोग देखेंगे ये फिल्म तो वो भूल जाएंगे प्यार का पंचनामा वन क्या थी। प्यार का पंचनामा वन एक अलग फिल्म की तरह याद रखेंगे और प्यार का पंचनामा टू को एक अलग फिल्म की तरह याद रखेंगे। तो ऐसा कुछ ये नहीं होने वाला कि उस फिल्म से कुछ, वो ये है कि टाइटल सेम है, थीम सेम है, थोड़े बहुत लोग सेम है, रिकॉल बढ़ता है उसका, लेकिन उसके अलावा ये फिल्म एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट जर्नी है, तो उसमें लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और वो ये कैरेक्टर्स लेके अब घर जाने वाले हैं। पार्ट वन में आपने 5 मिनट का एक मोनोलॉग बोला था जी, जो लोगों अब तक शायद किसी एक्टर ने नहीं किया है जी, तो और सेम रिपीट हो रहा है इसी जी, जी, मतलब अलग लाइंस के साथ, अलग इमोशंस के साथ, हाँ, कितना मुश्किल था उसको याद कर पाना और क्या वो एक ही टेक में था या बहुत सारे टेक लिए गए? जी एक ही सिंगल शॉट है वो, उसकी खासियत ये है, उसको मोनोलॉग ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सिंगल शॉट में हुआ था एंड उसमें कोई कट्स नहीं है। तो जो ये वाला लिया था पिछली बार वाला 5 मिनट का था, ये वाला मैंने जो एक्चुअली किया था वो 12 मिनट का वन शॉट था, सिंगल शॉट था। टेक्स तो ऑब्वियसली आप लेते हैं, टेक्स मेरा दूसरा टेक इसका ओके टेक था। पहले वाले टेक में पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई थी, एक फंबल हुआ था, उसकी वजह से पूरा टेक खराब हो गया था, वो एक ही फ्लो में। लेकिन वो भी एक फ्लो में था, मैं आई थिंक 9वें या 10वें पेज पे था तब मेरा पहला एक फंबल हुआ और वो रीटेक हो गया, तो वो सेकंड टेक पे फिर मेरे को करेक्ट करके बार बार मैं रिपीट कर रहा था फिर वो फ्लो वापस। तो इसमें क्या होता है, मोनोलॉग में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप एक टेक दे दो तो दूसरा टेक आपको स्टार्ट से शुरू करना है। Exactly. अब उस स्टार्ट के जो 3 मिनट होते हैं ना या 2 मिनट होते हैं वो बहुत अखरते भी है दिमाग में और आपको वो चीज़ दिमाग से हटा के रखनी पड़ती है कि यार ये नई चीज़ कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत अखरता है कि यार वापस से वहाँ तक जाओ जहाँ गलती की थी और फिर उसके आगे का। तो वो एक मोनोलॉग में बहुत था क्योंकि ये 12 मिनट का बोल रहा था तो दूसरा टेक मतलब 24 मिनट तक जाएगा, तो वो एक चीज़ थी। लेकिन उसके अलावा हाँ, शॉर्ट 12 मिनट का किया था, फिल्म में आई थिंक वो छोटा करके या कंसाइज करके 7 या 6 या 7 का रखेंगे क्योंकि फिल्म छोटी रखनी पड़ती है। तो कितना टाइम लग गया उस एक पर्टिकुलर डायलॉग को याद करने में? आई थिंक उसको याद करने में मेरे को टाइम ज़्यादा मिला ही नहीं था, हम लोग शूट कर रहे थे एक सेट पे और मोनोलॉग क्या है, इतना हाइप्ड था वो प्यार का पंचनामा 1 की USP बन गया था और प्यार का पंचनामा की USP बन गया था मोनोलॉग, तो उससे क्या है कि वो इतना हाइप था कि लव सर ने वो छुपा के रखा था, स्क्रिप्ट भी दी थी तो बिना मोनोलॉग की दी थी। तो पूरे जब शूट कर रहे थे तब तक मैं पूछ रहा था कि सर अब 1 हफ्ता रह गया, अब तो दे दो मेरे को मोनोलॉग। तो 25 पेज की एक स्क्रिप्ट लाए थे जो पूरा मोनोलॉग था, उसको उनने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला ये है। तो मैंने कहा सर 25 पेज अभी पूरा दिन रात में ये शूट कर रहा हूँ, मैं याद कब करूँगा, बोलूँगा कब, परफॉर्म कब करूँ। तो उनने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो टेंशन मतलब 12 पेज का होगा। मैं टेंशन मतलब 12 पेज का भी कुछ होता है, तो 12 पेज का फाइनली कैसे भी वो विद इन अ वीक, जिसमें आई थिंक आई वाज शूटिंग फॉर द सेम फिल्म ओनली डे एंड नाइट, तो मैंने बस वो रिकॉर्ड कर लिया था, वॉइस मेमो बना लिया था उसका, वो सुनता रहता था। तो उसके सुनने से थोड़ा सा एक बार बार याद होता रहा एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। जो पार्ट वन में थे जी, जो आपके सह कलाकार थे, उनके कभी फोन आए कि वी आर मिसिंग दिस मूवी और कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उनको क्यों नहीं लिया गया, मतलब आप तो हैं ये? यार मेरे साथ क्या था, मैं 20 साल का था जब प्यार का पंचनामा 1 की, और बहुत छोटी उम्र में मैं लॉन्च हो गया एंड उसके पहले मैं 17 साल से, जब 17 साल का था तब से मैंने इंडस्ट्री में आने की वो कर दी थी, 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, ऑडिशंस दे रहा था इधर उधर, एक्टिंग सीख के आया था, तो ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब ये फाइनली प्यार का पंचनामा हैपेंड तो मैं बहुत उम्र में फिर भी छोटा था, तो वो 20 से जो अभी प्यार का पंचनामा 2 बन रही है, 25 की एक उम्र होती है ना, उसमें एक बॉय टू मैन का एक कन्वर्जन होता है, तो आपकी शक्ल, आपके बोलने का तरीका, आपकी हर चीज़ में ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं। वो मेरे साथ काफ़ी आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल भी रहा शायद से। और दूसरी बात एक है कि फेस वैल्यू उनको प्यार का पंचनामा 1 में बाबू कैरेक्टर और दूसरा वो मोनोलॉग वाली जो बातें थी वो बहुत चिपक गई थी लोगों के दिमाग में और वो वायरल बहुत हो गया था, तो प्यार का पंचनामा को रिकॉल के लिए भी उनको एक एक्टर चाहिए था, विच आई फील लव सर थॉट कि मैं शायद से एक रिकॉल देता हूँ और मोनोलॉग किसी और से बुलवाना नहीं था एंड ही बिलीव्स इन मी एज एन एक्टर,
विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. एंड ही एंड कुमार जी एंड अभिषेक, मतलब दे हैव बीन देयर फॉर मी जब से मैं इंडस्ट्री में स्टार्ट किया हूँ, और उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा 1 से स्टार्ट किया हूँ, तो आकाशवाणी भी उनकी थी, तो आई थिंक वो एक बिलीफ सिस्टम भी बन गया. तो ये तीन चार चीज़ें ना सब मेरे लिए काफ़ी काम आ गई है चीज़. एंड या दूसरा, मैं तो हुई अच्छा. बिल्कुल. अब जब आप पार्ट वन कर रहे थे जी, तो तभी डिसाइडेड था कि पार्ट टू भी बनेगा? नहीं, तब एक्चुअली डिसाइडेड नहीं था. तब प्यार का पंचनामा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिसाइड किया था. तब तो आई थिंक 2010-11 पे इतनी सीक्वल्स भी नहीं बन रही थी उस टाइम. बस 2009 से आई थिंक इसकी प्लानिंग चल रही थी, जब मैं था भी नहीं इसमें. तो सीक्वल का तो मेरे को एक्चुअली तब तक पता नहीं था. सीक्वल की बातें जब फिल्म बनी, हिट हुई, उसके बाद लोगों ने बोलना चालू किया कि इसका सीक्वल कब आएगा, क्योंकि तब सीक्वल का अचानक से ज़माना आ गया था. तो लोग आके, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज की लड़कियां, इनफैक्ट मतलब कितने लोगों ने मेरे को बोला कि इसका सीक्वल आना चाहिए, ये एक फिल्म है जिसका सीक्वल आना चाहिए. तो वो आई थिंक उस चीज़ से ना फिर ये बना कि नहीं, सीक्वल तो बना रहे थे बट उसकी राइटिंग में फिर टाइम इतना लिया कि 3-4 साल तक लिखते लिखते कैरेक्टर्स इतने डिफाइन किए, एंड देन फाइनली जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर अब फिल्म आपके सामने है. कार्तिक, जैसे पहली फिल्म लिखी जा चुकी थी और बहुत छा गई थी लोगों के दिलों पे, तो जब दूसरी फिल्म लिखी जा रही थी तो कुछ आपने उस पटकथा में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि सर ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, कभी कुछ ऐसा भी हुआ था, या कुछ और लोग भी शेयर कर रहे थे कि ये भी लिख दीजिए, या फिर एक ही? आई थिंक लव सर सेल्फ सफिशिएंट है. उनने जो लिखा है वो उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं. वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हैं ऑलरेडी. तो कुछ भी आप ही होते हो जो ऐसे बोल रहे होते हैं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है, ये आपने कहाँ से लिखा है. लेकिन वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने दोस्तों में ऑब्जर्व करते हैं और उनके साथ हो रहा होता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता है उसकी कट रही है और वो समझ नहीं रहा है, वो प्यार में अंधा हो चुका है. तो एक्टिंग नहीं, आप जी रहे थे उसको? हाँ जी रहा हूँ, अभी भी जी रहा हूँ. लेकिन वो बात ये है कि आप जीना, असल लाइफ में जीना और कैमरा के सामने जीना, कि कोई आपको बोल दे कि अपने जैसा आप बिहेव करो, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है. तो आई फील आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि प्यार का पंचनामा हैपेंड फॉर मी एंड प्यार का पंचनामा 2 इज़ हैपनिंग. तो जब ये फिल्म आपको ऑफर की गई है, बताया गया कि सीक्वल बन रहा है, तो कुछ मतलब खुशी हुई या प्रेशर आ गया कि मुझे यार पार्ट वन की कंपैरिजन में और अच्छा करना, कुछ ऐसा था कि क्या हाँ देख लेंगे, इसके स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे और जो भी होगा दिखाया जाएगा, कुछ ऐसा एटीट्यूड था? आई थिंक मैं बस ये बात से वो था कि प्यार का पंचनामा 1 में ऐसा क्या रह गया था जो प्यार का पंचनामा 2 में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता थी. तो तब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यार ये क्या हो रहा है. लेकिन जब नरेशन हुआ, इट वॉज वी वर इन स्प्लिट्स, मतलब इट वॉज़ अ हिलेरियस नरेशन. हम लोग ऐसे थे कि शिट ये सब भी बचा था, ये सब भी होता है, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसा वो सारी चीज़ों ने ना एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था कि यार प्यार का पंचनामा 1 में जो था वो अलग था, अब ये कैरेक्टर अलग है, इसके साथ ये चीज़ें बहुत सही हो रही हैं. तो वो काफ़ी रिलेटेबल. आप अब ट्रैक जब फिल्म देखेंगे, जब उसमें ट्रैक्स देखेंगे, तो आपको समझेगा मैं क्या एक्चुअली बोल रहा हूँ. वो बहुत फ़नी चीज़ें हैं जो एक्चुअली होती हैं रियल लाइफ में. तो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ना अलग अलग स्टोरीज डेवलप हो जाती हैं जो रियल लाइफ में रिलेटेबल होती है. तो ऐसा प्यार का पंचनामा के 3 कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए थे, ऐसे दुनिया में तमाम कैरेक्टर्स हैं, तो उसके साथ बार बार बन सकता है. तो वो वाली चीज़ है. कार्तिक, फिल्म का कोई बेहद मुश्किल सीन जो आपको अभी भी याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार वो चीज़ मुझे याद आती है और उस वक्त ये घटना घट गई थी, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे संभाला, कुछ ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर करें? ये वाली फिल्म में, इसी वाली फिल्म में आई थिंक ऐसे कुछ रोंगटे खड़े करने वाला कोई सीन प्यार का पंचनामा 2 में नहीं हो सकता. मेरे को मोशन सिक बहुत होता है. तो हम लोग यॉट में शूट कर रहे थे, एक गाना है हीरे, तो वो गाने के शूट के टाइम पे यॉट में बीच समुंदर में एक तो मोशन सिकनेस हो रहा है, उसके ऊपर से बोल दिया था कि समुंदर में कूदना है. तो वो एक था जिस टाइम में ऐसा था कि भाई मैं पहली बार यॉट में बैठ रहा हूँ, मेरे को मोशन सिक हो रहा है और आप अब बोल रहे हो कूद जाओ. तो वो एक नॉर्मल सी बात थी, मोन्टाज था. उसके अलावा एज सच कुछ किसी चीज़ में ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई. बहुत सारे अच्छे सीन्स हैं, मैं बताऊँगा कि अगर इसमें बहुत ही यूनिक तरीके का एक ब्रेकअप सीन है जो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को. आई एम श्योर जब वो देखेंगे तो ऐसे वो आज तक ऐसा किया नहीं गया. एंड मोनोलॉग ऑब्वियसली आप मतलब वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि मोनोलॉग अब आप उसका रीटेक अगर हो जाए तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था शिट अब रीटेक क्यों हो रहा है. वो एक बात है, क्योंकि मोनोलॉग एक डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप स्टार्ट टू एंड तक पूरा विदाउट फंबल, विदाउट एनी टेंशन एंड परफॉर्मेंस के साथ आप जब करते हैं, तो रिपीट करने में ना आपको वापस से वो फ्लो लाना
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट देन रिलेटेबल है इसलिए राइटिंग की वजह से वो हेल्पफुल हो जाता है। जैसे डायरेक्टर आपसे कहते हैं कि कार्तिक आपको ये सीन करना है और आपको थोड़ा अटपटा सा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों, अगर थोड़ा ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ डिस्कशन चलता है, आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं आप या आपके कोई भी कलाकार? ऐसा कई बार होता है, आप कई बार ऐसी डिस्कशंस में पढ़ते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका पॉइंट सही है और सामने जो डायरेक्टर हैं या फिर कोई और हैं जिनका पॉइंट उनको लग रहा होता है, या को एक्टर ही क्यों ना सही, किसी ना किसी को ऐसा लगता है। एंड कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं लेकिन वो शायद से वो सही नहीं होती उस टाइम के लिए, क्योंकि आप कुछ और आपने देखा हुआ होता है कहीं पे और आपने कुछ और परसीव किया होता है, उसके हिसाब से आप सोच रहे होते हैं, विच आई फील मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है और मैं काफ़ी चीज़ों में कई बार गलत भी हुआ हूँ लेकिन कई बार सही भी हुआ हूँ। एंड लेकिन वो होता है कि इट्स अ विजन ऑफ समवन जिस पे मैंने ट्रस्ट किया है, तो वो विजन में वो सारी बातें ना नरेशन के पहले सोचने से इन सारी चीज़ों के पहले होता है कि सर वो अगर एक ऐसा सीन अगर होता तो वो वैसी बातों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब एक बार आप फिल्म में घुस गए हो उसके बाद वो उनका विजन है, वो लव सर का विजन है या ABC जो भी डायरेक्टर है उनका विजन है, जिसने फिल्म लिखी है उनका विजन है, मुझे उनके किरदार उनकी तरह से निभाने, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन शुरू में जब आप किरदार की बातें कर रहे होते हैं, कैरेक्टर्स जब स्केच होता है तब आप आइडियाज़ दो, लेकिन उसके बाद एक बार जब कन्विंस हो गए तो फिर इट्स देयर फिल्म। कन्विंस्ड होने के बाद इम्प्रोवाइजेशन की जगह रहती है, आप करते हैं? बहुत इम्प्रोवाइजेशन, मैं बिलीव करता हूँ कि काफ़ी सीन्स ऐसे होते हैं जो आप कई बार नेचुरली जब इम्प्रोवाइज कर जाते हैं तो वो एक मैजिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। एंड मैं इनफैक्ट मेथड एक्टिंग में बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन दोनों बहुत उल्टी चीज़ हो जाती है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन एक अलग ही उसमें चला जाता है और मेथड एक्टिंग में भी एक वो थोड़ा सा आप वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं, तो क्या है कि वो दोनों चीज़ें हो जाती है। लेकिन क्या है कि इम्प्रोवाइजेशंस मोस्टली कुछ लाइट सीन्स में काफ़ी काम कर जाते हैं मेरे लिए, एंड मैं करना चाहता हूँ हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन, मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो कार्तिक बातें हुई कि आपकी फिल्म के बारे में जी, जैसे कि बातचीत में आपने बताया कि आपके कोई गॉडफादर नहीं थे, आपने अकेले ही संघर्ष किया, आप आगे बढ़ते गए, ऑडिशंस दिए, 3 साल तक अपने आप को खींचा जी, तो क्या क्या मुश्किलें आ रही थी जो आपको तोड़ रही थी अंदर से कि यार बस अब बहुत हो गया? अरे लाइट चालू कर दी आपने, अंधेरा हो गया। कार्तिक जैसे कि हमने काफ़ी बातचीत की फिल्म के बारे में, कुछ आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि जब आप मुंबई आए तो 3 साल की बहुत जद्दोजहद थी, आपने ऑडिशंस दिए, तो क्या क्या मुश्किल आ रही थी जब कोई गॉडफादर नहीं होता और अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में? देखिए वो आई थिंक हर किसी के साथ होता है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मैं क्लिनिक अगर खोलूँगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी क्योंकि मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। बट अगर सेम ऐसे ही है, मैं अगर अच्छा बड़ा एक्टर बन जाता हूँ और मैं आगे जाके मेरे बच्चे हो रहे हैं तो वो स्टारकिड कहलाएंगे, उनको थोड़ा सा मौका ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आपको हार्डवर्क और आपको टैलेंट ही आगे ले पाए लेकर जाता है और वही सस्टेन करा पाएगा, आपको चांसेस मिल जाएंगे बट चांसेस को सस्टेन करने के लिए आपको टैलेंट चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं एटलीस्ट जितना भी जो भी स्ट्रगल मैंने देखा है या खुद से देखा है अकेले मतलब संघर्ष जो भी किया है वो मेरी अपनी स्टोरी है, तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं ऐसे जाके एक पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं फिल्म्स कर रहा हूँ एंड मैं वैसे किरदार निभा पा रहा हूँ या मुझे मौका मिल रहा है वो निभाने का कि जो किरदार मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को इंडस्ट्री से बहुत खुशी है कि मेरे को उनने वेलकम किया एंड मतलब पूरी तरह से बाहर से मैं भी था एंड फिर भी वेलकम, एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ऑल द यंगस्टर्स, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मम्मी पापा ने सही टाइम पे पैदा कर दिया कि एक जनरेशन गैप आता है हर बार, तो एक वो जनरेशन गैप जो आ गया कि यंगस्टर्स को फिल करना है, तो वो एक फिलिंग टाइम अभी चल रहा है, उसमें मैं आ गया हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं भी एक स्पॉट अपना रख लूँगा। तो ये तो आपने बताया कि कैसे कैसे आप पहुँचे, थोड़ा हम पीछे जाएंगे और जानना चाहेंगे कि मतलब जब आप मुंबई आए तो कौन सी वो मुश्किलें थी जो तोड़ रही थी आपको, जो पीछे खींच रही थी? देखिए मैं क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं जब बॉम्बे भी आना था तो मैं वहाँ पे अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, जो कि हम लोगों को वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि मुंबई बहुत दूर है, मुंबई आना सब छोड़ छाड़ के और अपना अलग से एक्टिंग इंडस्ट्री जो आपको बिल्कुल नहीं पता जिसके बारे में, वो चीज़ों के लिए मैंने बहुत मैंने पढ़ाई का बहाना लिया, मैंने घर वालों को बोला मेरे को पढ़ना है, उसके लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मुझे लगता था ऑडिशंस का पता लग जाएगा लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं लगता था, तो 2 साल वहाँ पे रहा,
फिर वहाँ से मुंबई में आया, मुंबई में पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया एक कॉलेज का. वहाँ से मैं ऑडिशंस का पता करता रहता था. मैं इंटरनेट का यूज़ करता था कि उसमें, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता नहीं था, तो मैं कहीं पे कभी फेसबुक पे ढूंढने लगा, किसी ने वॉल पोस्ट डाल दिया हो कास्टिंग का, कोई कास्टिंग कॉल्स ढूंढता रहता था कहीं से पता लगे. इसी टाइम पे मैंने बीच में एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था जिसमें एक्टिंग भी सीख रहा था. तो कॉलेज छोड़ के मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा था एंड ट्रैवल करता था यहाँ से ले तक, मतलब बेलापुर में रहता था, वहाँ से मैं लोखंडवाला आता था. एंड मतलब रहा है, स्ट्रगल रहा है काफ़ी. मतलब आप जब तक आप धक्के नहीं खाएंगे तो जो आपको फल मिलेगा आगे जाके उसका उतना स्वाद नहीं आएगा, तो वो वही वाली बात है. तो इस दौरान आपने बोला हुआ था अपने पेरेंट्स को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. इस दौरान मम्मी पापा को ये लग रहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. जब तक मुझे फिल्म नहीं मिली थी तब तक मैंने ठान के रखा था कि अगर नहीं मिलेगा तो अलग ही बात है, मिल गया तो फिर तभी बताऊँगा मैं उनको, अदरवाइज मतलब नहीं है. तो जज्बा कायम रहा कि कभी बीच में टूटा भी कि यार दिल्ली? कई बार टूटता है यार, कई बार टूटा है. मतलब कई बार आपको ऐसा लगा है कि यार छोड़ दो, नहीं हुआ. शुरू में बहुत लगता था एंड तो वो कोई ऐसा कोई वाक्य शेयर करें कि उस नहीं, आई थिंक कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑडिशंस के लिए जाता था, पूरी तैयारी के साथ जाता था और आपको हर बार कई बार अनफिट बोल देते थे, कई बार आपको बाहर, मतलब काफ़ी ऑडिशंस ऐसे दिए, कई बार छुटपुट इधर उधर के एड्स भी किए जो आज तक रिलीज ही नहीं हुए, मतलब छोटी छोटी कंपनीज के किए. तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं और पैसे नहीं होते, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको थोड़ा सा तो लगता है कि यार इससे अच्छा मैं घर चला जाऊँ शायद से, तो एक्टिंग छोड़ दूँ. बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को वो वाला दिन भी देखे हैं मैंने एंड अभी मैं इधर पे हूँ. तो इसीलिए मेरे पास एक जर्नी है मेरी खुद की, जो मेरी जर्नी है एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक जर्नी होनी चाहिए, लोगों को धक्के लगने चाहिए, उनको रियलिटी चेक मिलना चाहिए एंड उसी से आप ग्रो करते हैं, उसी से आप जहाँ हैं वहाँ पर पहुँच पाते हैं. अदरवाइज़ मेरे को अगर मेरी प्लेट पर सजा के सब दे दिया जाता तो मैं उस चीज़ की वैल्यू नहीं रखता. मैं इस चीज़ की वैल्यू रखता हूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव पेरेंट्स लाइक माय मॉम एंड डैड एंड अ फैमिली लाइक दैट जिन्होंने मेरे को हमेशा ग्राउंडेड रखा है एंड या यही एक चीज़ है. लेकिन धक्के बहुत खाते हैं यार, ऑडिशन कैंसिल हो जाते हैं, आप 2.5-3 घंटा ट्रैवल करो कैंसिल हो जाते हैं, फिर वापस जाओ, तो वो सारी चीज़ें बहुत हुई हैं. क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मुझे पहली फिल्म मिल गई? जी रिएक्शन बहुत अच्छा था, शॉकिंग था उनका रिएक्शन बेसिकली. बहुत उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से अचानक से हो गया एंड उनको बिलीव ही नहीं था कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ. ये तो मम्मी मेरी बाकायदा आई थी ग्वालियर से मुंबई, वो और मेरी मौसी और मैं बैठे थे डायरेक्टर के साथ और मेरे डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन टेप दिखाया कि ये है आपका बेटा, ये एक्टिंग करना चाहता है, आपको 4 साल से नहीं बोल पाया. एंड तो फिर उनने जब देखा, प्रोडक्शन हाउस ऑफिस देखा, तो थोड़ा सा बिलीव हुआ. फिर वो लोग ने भी बोला कि कैरी ऑन कर और फिर उनने सपोर्ट किया तब से. कार्तिक आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और ये हमारी शुभकामना है कि आपकी ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हो, जो कि आपका पार्ट वन था जो पहली फिल्म थी, और उससे भी बड़ी एक हिट फिल्म साबित हो, ये हमारी शुभकामना है. और आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अच्छी हमें तरह तरह के रोल्स में दिखाई दें ऐसा हम आपके लिए सोचते हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, where in कांदिवली are we shooting? I have no idea. No idea? जानकी बताइए. You doing कैसी हैं आज के बाद? हाँ. Morning, what happened? Why you late? You know when I spoke to you, I left. Then all of it. अच्छा, वो clothes के लिए. I went back. So we have the gang of girls over here. The Panchnama girls. Yeah. Yeah. तो किस तरह का पंचनामा होने वाला है ये सेकंड पार्ट में? We'll start with Anushrat.
इस बार एक्चुअली हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, बट फैक्ट तो ये है कि हम फिर भी लड़कियां हैं, तो जो हमारी बेसिक ट्रेट्स और हैबिट्स है वो तो सेम ही है, वो नहीं बदल सकते. मतलब करना हमें इवेंचुअली पंचनामा ही है, बट क्योंकि हम अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, इट्स मोर इंटरेस्टिंग कि अब इस बार और क्या आ सकता है. मतलब ये नहीं था कि पहले पार्ट में सब कुछ हो ही गया, कर ही दिया, इतना कुछ उसने बोल भी दिया, अब क्या बच गया कि आप और करना चाहते हो. मतलब ये इंट्रीगिंग फैक्टर होगा आई थिंक लड़कों के लिए कि और कितना सता सकती है हमें, ये कहाँ से अब और नए मतलब इन्वेंशंस आ गए हैं कि अच्छा इस पर भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम. सो वी हैव कम आउट विथ, एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड इज कि फर्स्ट पार्ट में हमारा सेकेंड हाफ थोड़ा सा ड्रामा हैवी था बिकॉज हमने एक्चुअली सीरियस हो गए थे हम. इस बार हमारा सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल है. ऐसे नहीं कि कॉमेडी कर रहे हैं हम, बट जो कैरेक्टर्स हैं वो तो प्यार में है ही और उनको तो टॉर्चर हो ही रहा है, बट जिस तरह से उन्होंने किया है वो इतना फनी है कि उस पर भी आप हंसी रहे हो. सो बिकॉज आई थिंक द रीज़न वी आर कॉलिंग इट डबल, एंड द रीज़न वी कॉलिंग इट बोल्डर, एंड द रीज़न वी कॉलिंग इट ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज नाउ वी आर शेमलेसली गोइंग आउट देयर एंड सेइंग हाँ यही करते हैं. हम तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चलो ठीक है यार लड़की है, चलो कर लो मार लो, जो करना है कर लो. सो या दैट्स वाई दिस टाइम इट्स फनियर एंड बिगर एंड बेटर. See, she's pretty much said it all when it comes to the film. Now, for me, it's different because my characters are very different. That is one basic thing. And they are different as in poles apart, like north and south. I played Rhea in the first part where I think I was a bit too negative, you know. So she was a girl who was confident and Rhea was glamorous and all of that. But, you know, when I was even doing that, I would be like, which girls do that, you know, like have a boyfriend and then go back to the old one and then have two of them together. Oh my God, where are these girls? But then eventually I found out that there are a lot of girls like that. Coming to part two, my character is so different. I'm playing Supriya, who is nothing like Rhea. She's simple, sweet, loves to be in love, loves to give love wholeheartedly. And this is her first boyfriend, Siddharth. And she's not that confident and she's not that glamorous. She's just a regular Delhi girl. So in that basic character, this is too much fun that how someone so unsuspecting and someone so naive can very innocently and without realizing do panchnama. And panchnama to a level that I just want to again hide my face and die because the climax is like... and my track has a little more emotional value this time, which I think is quite cute. It's almost like a love story, at least in Supriya's head, you know, it's a full-on love story, so she's in love. Aww. Yeah. How interesting you say this. But it is, so it's more fun. I think so, both of them have said pretty much much about the film. What I would say is people, there's something, we know why people loved Pyar Ka Panchnama part 1 was because a lot of people related, be it girls or be it guys. Even guys were like, oh shit, ye toh maine kiya hai, ya ye mere saath hua hai, I've been through this. That's the reason, and the way it was portrayed in such a humorous, comical manner, people loved it. More than them relating to it also, they enjoyed how it was, you know, how boys were actually laughing, oh shit, you know, this is how we are bajaud and this is how, you know, we are crucified by girls and girls are so evil, and girls were also laughing, oh my God, I think so, yeah, I've been like that too. So apart from that, what people will again like about Panchnama 2 is again, we are coming with different issues, we are coming with newer issues. We addressed to three different issues in Panchnama 1. But you know, in real life, there are a lot more other issues that goes into a relationship. So, again, we're coming with different more issues. So, again, people whoever will come and watch this film, again, will say, oh, shit, haan, ye jo meri kahani last mein nahi dikhai thi na, ye ab cover kar liya. And we have a deadlier monologue. The film is like to the power, like it's so funny, it's so humorous. We've enjoyed so much on the set. And we've tried to transcend it on the screen also. So people are really liking the trailer. So if you really like the trailer, so just you have to come and wait and watch the film, because film is like 4 times of what the trailer is. Trailer is nothing. 4 is too less. Yeah, actually 4 is too less. It's like a gazillion times what the trailer is. So yeah, we've tried to make the film more grandeur, more bigger in terms of the look. All of us we're playing. And one thing I would like to add is three of us, as girls, we are completely playing very different characters from what we were playing in part one. So from a girl, you know, the girl next door, the hottie, and the little Fabinda, you know,
हाँ जो मेरा लुक था इंडो वेस्टर्न लुक था to be playing something again which is totally different. I'm playing a girl who's really very bold, uninhibited, you know, frivolous and free-spirited, and how she happens to fall in love with this guy who's played by Omkar Kapoor, whose name is Thakur in the film, and how they are in love. It's a perfect love story. The guy loves the girl loves the guy. How it's totally like picture perfect, and still being picture perfect, there's so many issues that get into it. There's so many problems still for a relationship to not work. So it's a different take on love again. And yeah, people should come. They got it. We don't have to convince them so much. I have to. I have to convince people. You guys, you have to come and watch the film. We've made it for you. Yeah. तो हमने देखा कि पोस्टर जो है गले में पट्टा है तीनों के भी. ये क्यों है? क्योंकि पहले पार्ट में कुत्ता बहुत पॉपुलर हो गया था ना. गाना. तो हमने पहली पार्ट में अटेम्प्ट करके बना लिया. आप लोगों ने बहुत पसंद कर लिया, तो हमने कहा क्यों नहीं ओपनिंग ही उसी से करें कि बंद गए. अब उसके बाद का तो पता ही आपको हम क्या करेंगे. An audience accepted our boys as dogs, so we just decided to keep them on a leash. So you three of you are from the last part, जो first part आया था. Miss किया आपने जो दूसरे heroes हैं. आप तो जो पीकेपी वन में लड़का था टू व्हाट ही इज नाउ. ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. बहुत मैच्योर हो गया, बहुत काम हो गया. इज बिकम सो फनी. सो वी एक्चुअली इट फील्स लाइक वी आर टू डिफरेंट पीपल ऑन सेट दिस टाइम. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी happy and had fun and said ki haan chalo new chemistry, new feelings, new boy, new at least like a new boy. I was initially I had no take on it because, you know, as an actor I got casted opposite someone else, but over the course of time I realized that I definitely enjoyed you know, not only working with Sunny more, generally filming part two much more than one. I was quite scared in part one. You know, I was just new and I was new to the camera, so I had my moments of not being confident and being unsure and not knowing what's happening. So there were a lot of things around me which I couldn't enjoy at that point because, you know, I'm focusing too much on things that really shouldn't matter. Rayo was a fun guy to work with. More than fun, he was very sorted and easy to work with. But in part two, even before we started shooting, there was so much time spent off the sets before the shoot in workshops. We took so many holidays together, and we, as not Sunny and me alone, like all of us, the director, the cast, everyone, we went for someone's birthdays, and Lovesa's sister got married, we went for that, we went to Delhi. So it was a lot of time that we spent together. So obviously the bonding was stronger, not only with Sunny, with everybody, even, you know, the other new guy. So it was a lot of fun. And coming to Sunny, he is a fun guy, and spending so much time with him helped me. He was very shy in the beginning, so I had to open him up. So roles got a bit reversed this time. I had to open him up a little bit, but eventually it was a lot of fun, and he's funny, and we are very different, but he's sweet to work with. First of all, casting is not my call. You know, whatever Lovesa thought was right for the character, he casted accordingly. Coming to my personal opinion, Divendu was a great co-star and I had a good time shooting with him. But as Sunani said, that was my first film too. And she'd still been modeling before she signed the movie, Pyar Ka Panchnama. I was handpicked from home. Like, I was totally alienated from this entire procedure of how filmmaking is and how industry works. Because I'm not even from Bombay, I was from Delhi. So I got the movie while I was there. And that's when I shifted and started shooting the movie. So the whole process was so new to me that I was just getting you know, familiar with it. I was learning during the process. Panchnama 2 is definitely by far it's like just my second movie, but yeah, it's a better experience because I'm working with the same team, and to be doing my second film with the same team, it obviously makes me more comfortable since. Panchnama 1 was more of a learning experience. Panchnama 2 was, you know, was more of the application to what I'd learned in the first one. So the entire team, the girls are the same, the team's the same. And Omkar, I think so it has to do a little to the track that I'm playing in the movie.
since I have, he is my love interest. So we had a lot of moments during workshops, during readings, where we could, you know, we had to break the ice and we had to really get familiar to each other to actually be playing that on screen. With Devane, though, my track was that he was just a friend and I was just keeping him as a friend, and, you know. So that's the reason maybe I was not too close to Devendu, but with Omkar, I got more of those moments where, you know, we could really have sit and have a chat about each other, and, you know, we could talk, and we fought on the sets. We've had arguments during readings, and I think so, fights and arguments, it just makes the whole like your friendship grows, it makes it grow more. So yeah, I think so, all these things I've had it with Omkar. So yeah, I think so, I'm more happy to have Omkar. But again, Devendu is a great actor and I have a lot of respect for him. Superb. So finally, viewers ko apne apne ek alag alag style mein, agar aap film ko dekhne aaye, aisa kuch agar bol de, apne apne alag style mein, what you're doing in the film, something related to it. Theek hai, let's start. I'm going to quote the tagline of the film, which is love is injurious to health. And I think hum jo kehna chahte hain wo ye hai ki प्यार करना एक आदत बन गई है हम सब में, वो एक बुरी आदत बन गई है ये हम कह रहे हैं, तो ये कैसे इंजूरियस है आपकी एकदम अच्छी खासी हेल्थ को, ये देखने आप 16 अक्टूबर को ज़रूर आइए। I will just say that as girls हमने लड़कों को बहुत टॉर्चर किया है और हमें बहुत मज़ा आया है, सो यू शुड जस्ट कम एंड वॉच दैट हाउ वी हैव डन दैट पंचनामा, लड़कों का पंचनामा, प्यार का पंचनामा, 16th October. This is for all those people, all those people who actually wanted to have Pyar Ka Panchnama 2. It was a much awaited sequel. So please come, give business to our film so we can make more and more awesome movies for you to keep you entertained. So yeah, come encourage us because we made this film for you. Super. Thank you. Thank you so much. Thank you. Come. Keep coming. Thank you. Gulda song. Thanks. तो गाइस, इसके पहले लड़कियां आई थी, उन्होंने कहा कि बहुत बजाया है फिल्म में आप तीनों को, बताइए जनाब। उनका काम ही है, बजाती रहती हैं, और कोई उनका काम तो है नहीं। मूवी में भी देखा ही आपने कैसे बजा रही हैं जी। तो यू नो गर्ल्स ऑलवेज राइट, तो वो तो यही बोलेंगी। देखिए हमेशा मतलब प्यार का पंचनामा वन में भी आपने देखा होगा कैसे वो बजा रही थी एंड बैंड कितनी बजा रही थी हमारी, क्या 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 हार्शर कर दिया था। प्यार का पंचनामा टू में भी इतना लगी पड़ी, आप हालत से देख रहे होंगे हमारी क्या हालत हो रही है, बिल्कुल बजी पड़ी है एंड लेकिन मज़ा आता है। एटलीस्ट एक आध बार कहीं ना कहीं तो सच्चाई दिखानी चाहिए ना, तो वी आर शोइंग द एग्जैक्ट थिंग जो ये लड़कियां करती हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, एक्चुअली द सेकंड टाइम, प्यार का पंचनामा एंड प्यार का पंचनामा टू, वी आर टेलिंग यू द ट्रूथ, द रियल साइड, वी आर शोइंग यू द रियल साइड। मतलब रियलिटी से कोई दूर थोड़ी है यार, आदमी की तो बचती है रिलेशनशिप में, सबकी बचती है, आपकी भी कभी ना कभी बजी है, हमारी भी बजी है, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, ये जो प्यार का पंचनामा है जी, टाइटल जो है, आप तीनों इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन आई थिंक बहुत इत्तेफाक रखते हैं यार, मतलब हर, आई एम श्योर आप भी सैफ रखते होंगे अभी कैमरा के पीछे ऐसे कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई मीन, क्योंकि हर लड़का इसलिए रिलेट करता है क्योंकि एक ना एक बार तो वो पक्की बात है गुजरा ही होगा ऐसे रिलेशनशिप में, जहाँ बाय द एंड ऑफ इट आपको लगा होगा कि यार ये मतलब क्या है, मतलब मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसने पंचनामा उस लड़की का किया होगा, तो वो एक है ही चीज़, वो तो है ही यार। हाँ मतलब ये बहुत रिलेट किए नहीं नहीं हम लोग काफ़ी रिलेट किए हैं, काफ़ी पंचनामा हो चुका है, हो रहा है एंड इत्तेफाक रखने वाली बात ही क्या है इसमें, पूछने वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा जो ये लोग अत्याचार करती हैं लड़कों पे वो काफ़ी दिखता है और इस फिल्म में दिखा रहे हैं वाली साइड,
एंड आई थिंक लड़के बहुत रिलेट करते हैं इस फिल्म से. लड़कियां भी करती हैं अंदर ही अंदर, छुपा के रखती हैं, बोलती नहीं है. वो बस ये बोलती है कि मेरी कोई एक ऐसी फ्रेंड है जो ऐसा करती है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखा, अपना भी नाम डालेंगी नहीं. और उनको पता ही है कि हर दिन हर घंटा, बस हर लड़का जो बेचारा देख रहा है उसको भी पता है कि हर घंटे मेरा पंचनामा होगा, हर मैसेज पे पंचनामा होता है. कार्तिक आप तो फर्स्ट पार्ट में भी जी, तो इसमें क्या डबल पंचनामा हो रहा है आपके साथ? अब देखिए पार्ट टू है तो थोड़ा सा पंचनामा वन में आई डोंट नो कितना ज़्यादा लगा था लोगों को, कितना कम लगा था, लेकिन ये है कि रिलेट सबने किया था तो जितना था वो एप्ट था सबके लिए. इस वाली में और ज़्यादा बजाई रही हैं, और ज़्यादा मार रही हैं, और ज़्यादा लगा रही हैं हमारी. एंड पार्ट टू में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के रिलेशनशिप्स में होती हैं, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं. एंड आई मीन हाँ, मैं खुद भी एज एन एक्टर भी और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे सोचने जाता हूँ तो लगता है यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है. तो वो चीज़ एक है, वो प्यार का पंचनामा टू के साथ, प्यार का पंचनामा वन के साथ भी एक चीज़ इंटैक्ट थी कि उसकी रिलेटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डबल तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि यार हाँ यार इस बार और ज़्यादा फनी, और ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होगी. आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ हुआ है, आपके दोस्तों को लगेगा यार ये मेरे साथ, मेरी वाली भी करती है. तो हाँ वो होने वाला है. एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी एक्टर का. तो उससे मेरा चाइल्ड एक्टर का होना उससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली, बिकॉज एज एक्टर्स मैं मानता हूँ ये चीज के जब भी आप दूसरे एक्टर्स के साथ काम करते हो वो भले ही अच्छे हों बुरे हों, मतलब वट एवर इट इज़, यू लर्न समथिंग और दी अदर फॉर श्योर. यू नो कोई चीज़ ऐसी होगी जो यू नो कार्तिक में होगी जो मुझे पसंद आएगी कि हाँ यार ये चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसको, तो वाइस वर्सा. आई थिंक हम तीनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखे और तीनों ने काफ़ी एक्चुअली मोर देन दैट हम लोग अपना दुखड़ा एक्चुअली वैन में बहुत रोते थे कई बार काफ़ी चीज़ों को लेकर, एक्चुअली पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी कोई हमारी मतलब यू नो प्रॉब्लम चल रही हो या यू नो पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, कभी कोई और प्रॉब्लम चल रही हो, तो कभी इसकी गाड़ी खराब हो गई, उसकी चाबी घूम गई, तो कुछ ना कुछ गई. तो ये चीजें तो यार इट्स बिकॉज़ इट वाज अ फन फिल्म, दोस्ती की फिल्म थी. सो हां मतलब डेफिनेटली बेसिकली पंचनामा करते करते हमें लड़की बना दिया. हम लड़की बन गए और आपस में डिस्कस करते हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, यू हैव एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे की बहुत हेल्प की, बहुत मदद की. बट यार पॉज हियर.